तो पहले कल के लेक्चर से कोई डाउट है क्या तो पूछ लो, किसी को भी कुछ ही पूछना। से कुछ खास तुम लोग भी कवर किए नहीं है, पढ़ा हुआ है चीज़ तुम लोगों का। तो देखो कल तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सब लोग करके ग्रुप में शेयर किया, सब लोगों का सही, किसी का भी गलत है नहीं, सबका सही है, कम्प्लीटली सही है, ठीक है। जस्ट एक बार क्विकली यहाँ पे हम कम्प्लीट करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। अगर इसका देखें तो 281, इसका देखें तो 282, इसका देखें तो 283, सिस्टम का 288। यहाँ बताना तुम लोग, वैसे पता होगा, जस्ट एक बार रिकॉल कर ले। ये 9M में तो M का तो मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर यहाँ पे 9 क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल सही, ऑक्टेट रूल। इसीलिए कैपेसिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को N सेल में ट्रांसफर कर दे रहे, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि उसका भी एक्सेप्शन है, पढ़ोगे, बट इन जनरल हम लोग 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। ये तुम्हारा हो गया जो तुम कंप्लीट कर लिए थे, तो इसमें ज्यादा कुछ अब टाइम लगाएंगे नहीं, हम लोग सीधा आगे बढ़ने वाले हैं। अब आता है एक टर्म, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब लोगों को पता होगा, इसी में लिखने वाले हम जी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन कैसे करोगे, कोई भी बोलोगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर, बिल्कुल सही। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के, लिखना है तो लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, सीधा सीधा कंप्लीट करो इस कॉलम को, उसी में जो तुम लोग कल किए थे कॉपी में, हम भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और ये क्या कर दिए, क्विकली सब लोग कॉपी में, तुम लोग अपना कर लो कंप्लीट, उसी में जो कल बनाए थे टेबल। और बहुत जल्दी हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले पोर्शन पे पहुंचने वाले हैं। चलो बैलेंस ग्राउंड लिख लिए, तुम लोग जानते होगे, किसी को नहीं पता हो तो बोल देना, ठीक है। चलो तो बैलेंस ग्राउंड मतलब हो गया किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, आउटर मोस्ट वही तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम ही है बैलेंस। बैलेंस मतलब ही होता है आउटर मोस्ट, ठीक है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग निकालने वाले हैं चार्ज। सबसे पहला अगर ऑब्जर्वेशन देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉलम में, सबसे पहला हमारा ये चीज दिख रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वन से लेकर एट तक वैरी कर रहा है, वन से लेकर एट तक कुछ भी आ रहा है। देखो सारा नंबर्स, अगर देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम में, तो वन से एट तक नंबर तुम्हारा आया होगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रेंज बोले तो वन से लेकर एट तक का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है,
इंक्लूडिंग 100 हो गया बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज के देखो क्या रूल है, जनरल रूल है ना कि 100% तो होता नहीं है कुछ भी केमिस्ट्री में रूल, ठीक है, सबका एक्सेप्शन होता है। जनरल रूल क्या, वो देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक है, दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 1 to 4 and 5 to 8, आधा आधा, 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 8 तक, अगर 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है, तो जनरली वो एलिमेंट या वो एटम प्लस उतना चार्ज रखता है अपने ऊपर। 1 से लेकर 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज प्लस में ही उतना आ जाता है, यानी 1 अगर इसका है तो मोस्टली जो हाइड्रोजन है वो +1 शो करेगा। हीलियम बोलो, अभी लिख रहे हैं हम रूल के अकॉर्डिंग, फिर बताएंगे इसका 0 होता है। हीलियम +2 शो तो करने वाला है नहीं, नोबल गैस है तो, पर अभी लिख रहे हैं जस्ट रूल के अकॉर्डिंग। +3 कंप्लीट करो खुद से तुम लोग, 1 2 3 4 में प्लस लगा देना वही चार्ज होगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक है तो सिंपली उसमें प्लस लगाओ, वही तुम्हारा आ गया चार्ज। +4 +3 +4 क्या लिख दिए यार हम तो, प्लस। अब देखो 4 से बड़ा हो गया तो, यानी 1 से लेकर 4 तक का कहानी बता दिए, 4 से बड़ा यानी 5 6 7 8 है, तो तुम्हें क्या करना है उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से डायरेक्टली 8 माइनस कर देना। तो 5 है, 5 - 8 करे तो -3, 6 - 8 करे तो -2, 7 - 8 करे तो -1, 8 - 8 करे तो 0, 1 अगेन आ गया, तो 1 वाला रूल तो सिंपल है, +1 +2 +3 +4 अगेन तुम्हारा 4 से बड़ा आ गया, 5 - 8 -3 -2 -1 फिर अगेन 8 8 8 - 8 0 फिर नीचे पोटासियम का बैलेंस डाउन 1 है तो उसका चार्ज हो जाएगा +1 और इसका हो जाएगा +2 +2 दो पार्ट में बता दिए। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग चार्ज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि 1 से 8 तक वैरी कर रहा था तो 1 से 4 तक में डायरेक्टली प्लस लगा तो वो चार्ज आ गया, 4 से बड़ा हुआ तो उसमें से 8 घटा दो, निगेटिव में चार्ज आना शुरू हो जाता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा है तो। नीचे ये पॉइंट लिख लेंगे, टेंशन मत लो, वी जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं कॉलम, तो फुल लोग पता होगा तो फिर नया लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ जस्ट एक एक्सेप्शन है, हीलियम का कितना होगा चार्ज, 0 जीरो, चूंकि रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि इसका रीजन क्या दिया जाता है, अगर बुक वगैरह पढ़े हो तो क्या बोला जाता है, कोई बताओ, तू 0 ले रहा है इसको, हीलियम डबलेट लॉक हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डुप्लेट बोलने से मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोशन, इसके पास भी तो 2 है भाई, 2 तो इसके पास भी है, दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा, क्यों स्टेबल हो जाएगा, ये क्यों नहीं बाहर में 2 से स्टेबल है, ये 2 से स्टेबल है, ये क्यों नहीं हो रहा, रीजन ये है इसके पास एक ही सेल है के, और के में भी 2 यानी मैक्सिमम भरा हुआ है। इसके पास देखो भले ही बाहर में 2 है बट चूंकि वो 2 इसके पास के में नहीं है, एल में है, और एल भरा हुआ, तो ये डुप्लेट बोलने मेरा मतलब ये है एक ही सेल है और वो भी पूरा पूरा भरा हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरा हुआ है, के देखो एक ही सेल है इसके पास और वो भी पूरा पूरा भरा हुआ है, पूरा पूरा भरा हुआ है, तभी और लेना नहीं चाहेगा या देना नहीं चाहेगा, स्टेबल है, ये ध्यान रखना, तो इसको डुप्लेट बोलते हैं, केवल एक ऑर्बिट और वो भी पूरा पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, केसीएल पूरा पूरा फिल्ड है। चलो ये 0 हो गया, नोट कर लो ये चार्ज हो गया, वैलेंसी, वैलेंसी का डेफिनेशन कोई भी बोलो, मनीषा तुम बताओ वैलेंसी का डेफिनेशन, भैया 1 से 4 तक रहेगा तो वही ले लेंगे और उसके बाद 8 में से माइनस कर देते हैं, समझ गए, निकालना बता दी, बट मतलब बैलेंसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बोलना चाह रहे हैं हम तो, किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, सिंपल है, ये बोला था कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है बैलेंसी, ठीक है, और इसका अगर और डेफिनेशन बोलो तो बहुत सारा डेफिनेशन है, ठीक है, हालांकि मॉडर्न सबसे लेटेस्ट जो यूज होता है वो ये है, हालांकि हम नीचे लिखेंगे वाले बैलेंस निकाला, टेबल कंप्लीट करो,
नीचे सारा लिखेंगे कहानी जो भी डेफिनेशन वाला का, ठीक है। प्लस में ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना, कुछ लोग ये होगा हम चार्ज क्यों अलग से लिखे, कुछ लोग ये चल रहा होगा, तो ध्यान रखना जब वैलेंसी कोई पूछता है ना तो चार्ज वो प्लस माइनस लगा के नहीं बोलना है तुमको, बस डिफरेंस इतना का ही है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बना होता है, कुछ जगह पढ़ाया भी जाता है ऐसे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी प्लस वन होता है, नहीं गलत है बोलना, ये हाइड्रोजन का वैलेंसी सिंपल वन बोलेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंसी माइनस थ्री होता है, गलत स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन का वैलेंसी सिंपली थ्री बोलेंगे। वैलेंसी के पीछे प्लस माइनस कभी नहीं लगाते हैं, तो सिंपली जो हम वैलेंसी वाला कॉलम लिखे हैं ना उसमें से प्लस माइनस हटा दो वही तुम्हारा वैलेंसी वाला कॉलम हो जाएगा। कंप्लीट करो खुद से, प्लस माइनस वैलेंसी में कभी लगा के नहीं बोलते हैं, वो चार्ज होता है या उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है ज्यादा टेक्निकली बोलो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो जिसमें तुम प्लस माइनस लगा के बोलते हो, इसीलिए अलग अलग ये चीज क्लियर कर दिए तुम लोगों का। हालांकि टूटे फूटे लैंग्वेज में लोग बोलता है ठीक है, बट वो सही नहीं है। बुक्स वगैरह पढ़ना, बुक्स में कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज माइनस टू, कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लिखा रहेगा द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज टू, बुक पढ़ना टेंथ का भी अगर हो तो। फोर थ्री टू वन जीरो वन टू थ्री फोर थ्री, सिंपल साइन हटा दिया और कुछ नहीं किया। वन जीरो वन और ये टू, खत्म, बैलेंसी में टू हो गए। चलो बैलेंसी का भी कॉलम हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इतना कर लिए तो हम लोग तैयार हैं कंपाउंड के फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए, हम लोग रेडी है, हम लोग लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कैसे फॉर्मूला आ रहा है इतना होने के बाद, ठीक है। तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हम लोग अब सीधा सीधा मूव करने वाले, बैलेंसी का डेफिनेशन क्विकली लिख लेंगे हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। और फिर हम लोग सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने पर मूव करने वाले। टाइम ज्यादा नहीं लगा इसमें, बैलेंसी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लैटिनम तुम लोगों का लो चुका था, हम लोग आगे बढ़ने वाले। हेडिंग डाल दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका डेफिनेशन खुद से लिख लेना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस लिख के डाल दो, बैलेंस का डेफिनेशन लिख लो, लिखना बैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद से लिखना, बैलेंस का डेफिनेशन लिख लो। सबसे सिंपल बोलना चाहो तो वही कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, सबसे सिंपल वाला वो है, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेशन जो लिखोगे तो एक पुराना डेफिनेशन है, ठीक है, पुराने टाइम में यूज होता था। हाइड्रोजन के टर्म्स में हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करते थे, वो डेफिनेशन अभी एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या तुम पढ़े होगे तो पता होगा। वो डेफिनेशन ये बोलता है किसी एटम का वैलेंसी का मतलब यह हुआ उस एटम का, उस एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन कर रहा है, मतलब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर्मूला लिखे एच टू ओ, इस कंपाउंड में देखो ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन किया है, दो एटम से। तो देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, एक एटम से दो, यानी कितने हाइड्रोजन से उसका एक एटम कंबाइन कर रहा। पुराना डेफिनेशन ये था, दूसरा एग्जांपल लो देखो, हालांकि पूरा पूरा सही नहीं है, फेल करता हुआ इतनी दिखेगा, कंपाउंड ऐसा है जहां पे फेल करता है, बट जस्ट जनरल डेफिनेशन है। इसमें देखो नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन कितने एटम से कंबाइन कर रहा, तीन एटम से, तो नाइट्रोजन का बैलेंस देखो तीन होगा। फ्लोरीन का कंपाउंड होता है HF, फ्लोरीन का एक एटम कितने हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, एक हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन का देखो वैलेंसी एक होगा। जनरल डेफिनेशन पहले पुराना ये था, लिख लो ये डेफिनेशन, लिख लो, लिखना है लिख लो, वैलेंसी का डैश दे दो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंस का डेफिनेशन है ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइंस विद एन एटम या वन एटम भी लिख सकते हो, विच कंबाइंस विद वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, विच कंबाइंस विद वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी, इज नोन एज इट्स वैलेंसी, जो भी लिखो। ये पुराना डेफिनेशन था वैलेंसी का। दूसरा डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन है, लेटेस्ट है, वो लिख सकते हो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी करके लिख सकते हो कॉपी में, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी वो ये है। और पिछला डेफिनेशन लिख लिए हो तो, पिछला लिख लिए सब लोग डेफिनेशन, बाकी लोग जी भैया लिख लिए, चलो सही है, तो लिखो मॉडर्न डेफिनेशन लिखो। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जो भी लिखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इट्स वैलेंस। ये डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा सही है, इसमें तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया कि रिएक्शन होने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का वो लेन देन किया अपने बाहरी ऑर्बिट से, वो उसका बैलेंस ही होगा। चलो ठीक है, डेफिनेशन हो गया, खत्म करो, बहुत ज्यादा ये मतलब और करने वाला है नहीं इसका, ठीक है, ये चीज अपना फॉर्म। अब आ जाओ अपना हेडिंग हेडिंग डाल दो। हेडिंग डाल दो आयंस, आयन थोड़ा सा लिख लें, आयन को ही ध्यान रखो। वैसे देखो वो चीज है, रेडिकल वर्ड यूज करते हैं ना, रेडिकल बोलते हो, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ठीक है, तो रेडिकल एक सेंस में आयन ही है, हालांकि हमारे सेंस में ऐसा लगता है कि रेडिकल का सुपर सेट है, सॉरी आयन का सुपर सेट है रेडिकल, हालांकि छोड़ो उसमें नहीं जाएंगे, सीधा रेडिकल आयन लिख के स्लैश करके रेडिकल लिख लो, सेम सेंस ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आयन को ही रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, आयन को ही रेडिकल बोलते हैं, और आयन का मतलब सिंपल क्या हुआ बोलो, आयन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही, मतलब चार्ज एटम ही नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम पे भी अगर चार्ज आता है तो उसको भी आयन बोलेंगे, जैसे सल्फेट आयन SO4 पे 2-, भाई सल्फेट में सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, पूरे पे चार्ज है, तो ग्रुप ऑफ एटम पे भी चार्ज है तो उसको भी तुम आयन बोल सकते हो या रेडिकल भी बोल सकते हो। तो अभी हम लोग ग्रुप ऑफ एटम वाला चार्ज नहीं पड़े हैं, सल्फेट नाइट्रेट पे नहीं गए हैं, अभी सिंगल वाला ही पड़े हैं, जैसे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, हीलियम पे तो चार्ज है नहीं, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उस हिसाब पे तुम्हारा आयन क्या हो गया, दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, कटायन और कटायन और अनायन, दो तरह का आयन, ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखो आयन के डेफिनेशन में, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, group of atoms group of atoms having either positive or negative charge, having either positive or negative charge, jo who is called jo bhi anion, wo tumhara anion ho gaya, two types karke likh lo, cation plus wala, anion minus wala, jante ho ko, isme time nahi waste karenge, yahan se example apne paas list mein bhi bahut sara hai, प्लस वाला जो चार्ज है वो तुम्हारा कटायन हो जाएगा, एग्जांपल इसे तो HPA1+, CA पे कैल्शियम पे 2+, ये सब कटायन हो गया, अनायन हो गया, ऑक्सीजन पे 2-, नाइट्रोजन पे 2-, ये सब अनायन हो गए, ठीक है। कटायन को ही बेसिक रेडिकल बोलते हैं, लिख लो कटायन का ही दूसरा नाम बेसिक रेडिकल,
कैल्सियम पे 2+ ऐसे तुम बोल दो, कटायन बोल लो या बेसिक रेडिकल बोल लो, सेम सेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। तो रेडिकल भी तुम्हारा इसी में कवर हो जाता है। बेसिक रेडिकल में लिख लो, कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, प्लस वाले को बेसिक रेडिकल बोलते हैं और माइनस वाले को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो कटायन अनायन, कटायन मतलब प्लस वाला, कटायन का ही दूसरा नाम हो गया बेसिक रेडिकल और अनायन का ही दूसरा नाम हो गया एसिडिक रेडिकल। चलो ठीक है, ये भी हो गया, लिख लिया सब लोग इतना? जी भैया। चलो ठीक है फिर, तो हम लोग आगे आने वाले हैं, कटायन ये हो गया, रेडिकल हो गया, एसिडिक बेसिक हो गया, प्लस माइनस वाला होता है, समझ गए तुम लोग। अब हम लोग आने वाले हैं, हेडिंग डाल दो, कंपाउंड्स, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। कैसे डिफाइन करोगे कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को? क्विकली हम डेफिनेशन लिखवाने वाले नहीं है, जस्ट बोल देंगे, ठीक है, लिखना खुद से करते। कंपाउंड या मॉलिक्यूलर डेफिनेशन कैसे दोगे? मैं आवाज तो फर्स्ट रहा है। हाँ थोड़ा सा बीच बीच में इंटरनेट जो है ना अनस्टेबल बता रहा, पता नहीं आजकल फिर वही हो गया उधर वाला, बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था उसी तरह से। अब सुन पा रहे हो क्या सब लोग? नहीं सुन पा रहे हो क्या? अब सुन पा रहे हो सब लोग क्या? चलो सही है, चलो सही है फिर। तो कहाँ थे? कंपाउंड पे थे। कंपाउंड तुम सब लोग जानते हो मतलब ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, जो केमिकली कंबाइंड होता है और उसपे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। जो तुम्हारा केमिकली न्यूट्रल हो, ठीक है, वो तुम्हारा कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लिख लेना खुद से। दूसरा बात ये ध्यान रखना, कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिख लो, नोट कर लिखना है। तो एटम जो है तुम्हारा फ्री में भी होता है और कंबाइंड में भी होता है, जैसे पर वो नोबल गैस फ्री स्टेट में होता है और बाकी सब कंबाइंड, बट मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस होता है वो फ्री स्टेट में ही होता है, वो आप खुद में एक इंडिपेंडेंट स्पीसीज है, ये ध्यान रखना, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसा कभी ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट आ जाए कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो तुम वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, वो दोनों कंबाइन हो जाए वो आराम से फ्री है, किसी और से उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंट होता है। मॉलिक्यूल का हो गया, हम लोग सीधा जाने वाले हैं मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और नेमिंग कैसे करें, नेमिंग एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। चलो यहाँ पे आते हैं, देखो कंपाउंड अपने को बनाना है, कंपाउंड बनाना है मतलब एटलीस्ट दो एटम को कंबाइन होना पड़ेगा, एटलीस्ट दो एटम को कंबाइन होना पड़ेगा। अब कंबाइन होगा तो बहुत सारा तरीका है, हालांकि उस डिटेल में हम लोग अभी अभी नहीं जाने वाले हैं, जस्ट एक बार बोल दे रहे बेसिक। कंबाइन होगा तो तुम परे हो गए कि पूरा पूरा ट्रांसफर वाला मेथड भी हो सकता है, आयनिक आयनिक बॉन्ड या फिर शेयरिंग वाला हिसाब हो। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहे हो ना थोड़ा सा? हाँ, मतलब दो ऑप्शन है, बट हम जो अभी कंसिडर करेंगे मोस्टली हम पूरा पूरा ट्रांसफर वाला ही सेंस बोलेंगे। ठीक है, शेयरिंग भी होगा तो हम शेयरिंग वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में यूज करेंगे वर्ड अभी। जस्ट हम ये बोलना चाह रहे हैं दो आइटम है, दोनों को केमिकली कंबाइन होना है, कंबाइन होना है तो क्या होगा, इसका भी सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। ये पॉइंट कहीं पे लिख लो नहीं पता है तो, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ किसी भी एटम का वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है जो वैलेंस शेल में है। अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस को छोड़ करके उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, नहीं ये वर्ड पता हो तो लिख सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे सोडियम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे 8+2 10 कोर इलेक्ट्रॉन है, लिख लो कहीं पे, ध्यान आ गया इसे बोल दिया अभी। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया बैलेंस को छोड़ के अंदर वाला जो भी बच गया सबका सब कोर आता है, कोर इलेक्ट्रॉन। या कोर इलेक्ट्रॉन को ही दूसरा नाम उसका है कर्नेल इलेक्ट्रॉन, लिख लो कहीं पे, कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, अंदर वाला जो ही बचा वो। तो रिएक्शन के दौरान सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोर इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही परा होता है, एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। तो केमिस्ट्री में तो जब भी बोलते हैं तो स्टेटमेंट जनरली होता है, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता, वैलेंस ही पार्टिसिपेट करता। तो अब मान लो ऐसे एग्जांपल है, दो एटम को, यहाँ मान लो एक एटम, यहाँ पे दोनों कंबाइन होना है भाई, कंबाइन ना, तो इसके पास भी कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों कंबाइन ऐसा होना चाहेगा, कंबाइन होने के बाद ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए और ये भी स्टेबल हो जाए, कंबाइनिंग ऐसे करेगा दोनों। तब जनरल अगर हम ट्रांसफर वाला वर्ड यूज करें, वो यूज करेंगे अभी, तो क्या होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो दूसरा वाला ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले भी पाए। एक अगर डोनर है तो दूसरा को एक्सेप्टर होना पड़ेगा, दोनों अगर डोनर हो गया फिर ये भी देने वाला ये भी देने वाला केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, दोनों अगर एक्सेप्टर हो गया तब भी नहीं हो पाएगा, एक डोनर और एक एक्सेप्टर होना पड़ेगा, यानी डोनर मतलब प्लस वाला, पता होगा। इस लेवल से हमें कंपाउंड बनाना है तो हम एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे, कंपाउंड बन जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। इस टेबल से अगर हम देखें, कोई भी एक प्लस वाला उठा लेते हैं, मान लो बेरिलियम उठा लिए, बेरिलियम को मिला देते हैं, कोई माइनस वाला कंपाउंड ले लो, एटम ले लो फ्लोरीन से, तो बेरिलियम और फ्लोरीन कंपाउंड बना सकता है। यहां हम लिख लेते हैं, ये मेरा बेरिलियम, बेरिलियम का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं लगता है यार हम, क्या था स्पेलिंग बेरिलियम का, बेरिलियम का स्पेलिंग बोलो कोई, डबल एल होता है ऐसा कुछ, बी ई आर वाई डबल एल आई ई यू एम, ठीक है, बेरिलियम हो गया। उसको कंबाइन कराए हम नेगेटिव वाले के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जस्ट यहां लिख रहे हैं ये बी, ये तुम्हारा हो, तुम्हारा ये तुम्हारा, इस पे कितना है प्लस टू चार्ज, प्लस टू ये चार्ज है, वैलेंस ही नहीं है, चार्ज को हटा के बोलोगे तब वैलेंस है, ये माइनस टू, माइनस टू। बेरिलियम ऑक्सीजन ले लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, बेरिलियम ऑक्सीजन ले लिए, ऐसे हम फ्लोरीन लेना चाह रहे थे, ये फ्लोरीन, इसका चार्ज देख लेना माइनस वन होगा, ठीक है। चलो अब ये मिला, अब देखो ये प्लस टू है, इसका मतलब ये हो गया कि बेरिलियम का एक एटम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है, बेरिलियम का एक एटम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है, फ्लोरीन माइनस मतलब फ्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो बैलेंसिंग वाला खुद सोचो, इसका एक एटम दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, उसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रेडी है, बैलेंसिंग कब होगा, ये दो दे रहा है तो उधर से उसको भी दो लेना पड़ेगा, बट फ्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो ये बोलेगा चलो हम दो एटम एक साथ मिल जाते हैं, फ्लोरीन बोलेगा दो ले सकता है ना, इसलिए फॉर्मूला में क्या करते हो तुम, क्रॉस करते हो, एक्चुअली बैलेंसिंग करने के लिए क्रॉस करते हो, उसे हम लॉजिक बताए, ये दो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा, तो अगर एक एक एटम मिलेगा बेरिलियम फ्लोरीन का तो नहीं हो पाएगा, काम नहीं बन पाएगा, बेरिलियम दो दे देगा वो एक ही लेगा, तो फ्लोरीन बोलेगा चलो हम एक और फ्लोरीन को अपने साथ रख लेते हैं, एक वो फ्लोरीन ले लेगा, एक हम ले लेंगे, और फिर दो ये हो जाए, बैलेंस हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, हम लोग एक एक बांट लेंगे, बैलेंसिंग हो जाएगा, क्रॉस करते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में, जो तुमको पता होगा। तो बेरिलियम क्या ले लेगा, ये वन ले लेगा, जानते हो तुम, इसमें हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, जानते हो, और ये फ्लोरीन टू हो जाएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया बेरिलियम फ्लोराइड। अब यहाँ ध्यान देना नेमिंग का, ये तो फॉर्मूला बता दी, नेमिंग का क्या होता है, तो प्लस वाला ये क्या है, डोनर, जस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम, जस्ट फर्स्ट टाइम ऐसे लिख रहे हैं डोनर, और ये क्या है तुम्हारा एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, प्लस वाला है कटायन, या उसको बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हो, ये बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल है। तो रूल क्या बोलता है नेमिंग का, बेसिक रेडिकल का नेम चेंज नहीं करो, वैसे ही रहने दो, बेरिलियम तो बेरिलियम ही रहेगा, निगेटिव वाला जो है एसिडिक रेडिकल, निगेटिव चार्ज वाला, उसके नाम को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, कुछ सफिक्स लगा दिया जाता है, आइड एट आइड, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे मोस्टली आईडी लगाना है तुमको, 20 एलिमेंट से अगर बनाना है तो इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे, तो बेरिलियम चूंकि प्लस वाला है तो इसका नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बेरिलियम का बेरिलियम ही रह जाएगा, प्लस वाले का नाम, ये नेम हो गया, और फ्लोरीन का नाम थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आइड सफिक्स लगेगा, ये रूल है, इसका कुछ नहीं कर सकते, बना दिया गया स्टार्टिंग से रूल, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बोल दिया गया ठीक है भाई, माइनस वाले को थोड़ा ऐसा कर दो, सुनने में अच्छा लगेगा, इसलिए और कुछ नहीं।
दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो एटम के फॉर्म में नहीं है, माइनस वन चार्ज के फॉर्म में, तो फ्लोरीन बोलना सही नहीं है, ठीक है, इस सेंस में भी है, बाकी रूल है, इसको कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये रूल है, कन्वेंशनली हम लोग ऐसा बोलते हैं तो बोल रहे हैं। ये तुम्हारा नेम हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, तब तुम बीस से ही बना रहे, इसके बाहर भी हम नहीं जा रहे, इसके बाहर हम नहीं जा रहे, सल्फेट को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर इसी बीस से बनाना है जस्ट देखो, तो तुम्हारे पास प्लस वाला कितना है, काउंट करो तो कोई क्विकली, बीस तक में कितना प्लस वाला है, ग्यारह दिख रहा हमको, देखो तो अलेवन है क्या, क्विकली काउंट करो और बोलो हमको, अलेवन है, और माइनस वाला बोलो, माइनस वाला सेवन है, नहीं सेवन नहीं होगा यार, हीलियम नहीं है, आर्गन तीन हो गया, दो कम होगा, एट होगा सर, देखो तो कितना है, माइनस वाला कितना, देखो तो कम होगा, हीलियम नहीं है, आर्गन तीन का छह ही होना चाहिए, देखो काउंट करो, छह है ना, वो नोबल गैस हट गया तीन का, तीन ठीक है चलो, उसका तो कोई ये नहीं है, यूज रिएक्शन में तुम यूज नहीं करोगे, तो यहाँ ध्यान दो, अलेवन का टायन है, सिक्स नाइन, अभी तुमको बताए कोई भी प्लस वाला किसी भी माइनस के साथ मिला सकते हो, कितना कंपाउंड बना सकते हो खुद से, तुम इलेवन का टाइम्स को सिक्स नाइन से मैचिंग करना, किसी को कर सकते हो, इलेवन इंटू सिक्स 66 कंपाउंड तुम लोकल बना के लाना, सिर्फ इतने से फॉर्मूला नेम के साथ खुद से, इलेवन इंटू सिक्स इक्वल टू 66 कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला प्लस नेम, दोनों चीज को समझ ही गए तुम, ये करके आना है खुद से, इतना करने के बाद कल हम लोग क्या करेंगे वो समझना, ये तुम्हारा आइडिया लग जाए, तुम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसी में पता चल जाएगा, इसके बाद जो चीज बचा हुआ सल्फेट नाइट्रेट वगैरह वो लिस्ट ऐसा जो तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसमें माइनस टू कहाँ से आया बता सकते हैं हम लोग, तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, हालांकि बहुत सारा याद तुमको ऑलरेडी हो गया होगा, तो कल हम लोग क्या करेंगे वो समझना, फॉर्मूला तुम लोग को आता है सीधा सीधा लिस्ट, बाकी जितना जितना सल्फेट नाइट्रेट, हालांकि हम उसका टिप्स वगैरह भी देंगे कैसे याद रखते हैं लिंक बना करके, मतलब फाइनली याद ही करना है, बट इजली थोड़ा सा बताएंगे कैसे हम याद रखेंगे बहुत सारा, तो उसका तरीका बताएंगे, सल्फेट सल्फर तुम लोग भी ऑब्जर्व किए कुछ कुछ, जैसे सल्फेट से सल्फाइट होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, चार्ज उतना ही रहता है, ऐसा कुछ 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 बीच में पॉइंट बताएंगे, बाकी फाइनली तुमको अल्टीमेटली याद ही रखना होगा, तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, तो ये करके होमवर्क है तुम लोग का खुद से बनाना, और फिर उसके बाद क्या करना वो ध्यान देना, सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट जो भी माइनस वाला पर रहे हो, या 20 के बाहर भी प्लस वाला होता है ना, जिंक पे प्लस टू उसके बाहर भी होता है ना, सिल्वर पे प्लस वन, मरकरी पे बहुत सारा होता है, जो भी वैरियल वैलेंसी का भी चांस है, बहुत सारा एलिमेंट है जो वैरियल वैलेंसी भी शो करता है, आयरन है, फेरस, फेरिक, आयरन टू, आयरन थ्री, ऐसे भी बोलते हैं उसको, तो वो वाला पार्ट यानी कल अपना जो आयरन का लिस्ट है, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, उस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे और क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को कल, यही है मेरा, तो तुम लोग का होमवर्क ये 66 कंपाउंड प्लस जहां से भी हो, जिस भी बुक से हो, कहीं से भी सर्च करके लिस्ट तैयार करना है सारे अनायन वगैरह का, जो भी नया नया सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइसल्फेट, जो भी ऑक्सीलेट, जो जो पढ़े होंगे, जो जो तुम्हें दिखे, कहीं कहीं से खोजना, जो ध्यान में सारा एक लिस्ट में लिख के और ग्रुप में होता शाम तक शेयर कर देना, और कल हम सारा का सारा नोट डाउन करवाएंगे, सारा का सारा नोट डाउन करवाएंगे, और बीच में बताएंगे भी कि कैसे कैसे ग्रुप करके हम याद रखेंगे, ठीक है, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, और कल हम लोग इसको पूरा पूरा क्लोज करेंगे, पूरा पूरा क्लोज, और फिर तुम्हारा परसों से, आज तो बुधवार, परसों से मूल कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, जो एक बार पढ़ाए हुए बट वापस एक बार रिकॉल कर देंगे, मूल कंसेप्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री का अपने आप में एक चैप्टर ही है, पहले समझ लो एक चैप्टर ही है, वो कर लिया मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर ही तुम्हारा खत्म हो गया, और प्लस तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट हो ही गया इसमें रिवाइज, तो आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, तो कल का होमवर्क तुम ध्यान से रख लो, यहाँ पे प्लस तुम लोगों को क्या करना है, आयन का जितना भी आयन तुमको जहां भी दिखे नोट कर लेना, एक बंद करके कोई भी बुक खोलो, गूगल पे सर्च करना, कहीं भी कुछ मिले नोट कर लेना खत्म, जैसे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे भी सीधा तुम एक टेबल में लिख लेना, ये आज पता नहीं इंटरनेट को क्या हो गया है, ऐसे मीटिंग भी एंड होने वाला है, चलो ठीक है, तो होमवर्क सब लोग को समझ में आ गया ना, सुन पा रहे हो सब लोग हमको, जी भैया,